हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, इग्नू की कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो सबसे पहले चलते हैं इग्नू की नोटिफिकेशन पे, जो की है असाइनमेंट से रिलेटेड। 31 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके बाद ही हमने जो है एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी 28 सेकंड के, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो है लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। 11 बजे रात को 31 तारीख को ये नोटिस रिलीज हुआ था, और हमने उसी टाइम आपको जो है वीडियो बना के अपडेट दे दिया था। बाकी इसको इन डिटेल पढ़ लेते हैं कि इस नोटिस में कहा क्या गया। तो देखिए, यहाँ पर 31 मार्च का ये जो है नोटिफिकेशन है, यहाँ पर नोटिस देखिए आप, ये लिखा है द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम्स। उस वीडियो में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि हमें एमकॉम का बताइए, हमें बीकॉम का बताइए, हमें एमपीएस का बताइए, इसका बताइए, उसका बताइए। तो आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है ऑल प्रोग्राम्स, मतलब कि इग्नू में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी प्रोग्राम्स की जो है लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है। ऑल प्रोग्राम्स फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 इज हियर बाय एक्सटेंडेड टू अप्रैल 30, 2021। मतलब जो लास्ट डेट आपकी 31 मार्च 2021 थी, उसे एक्सटेंड करके 30 अप्रैल 2021 कर दिया गया है। तो ये थी सबसे अच्छी अपडेट आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों का जो है असाइनमेंट नहीं बना था, और कोविड टाइम की वजह से स्टडी सेंटर्स नहीं खुले, जिसकी वजह से जो है ऑनलाइन बच्चों का असाइनमेंट सबमिट करना पड़ रहा है। कई स्टडी सेंटर्स खुले हैं लेकिन मैक्सिमम बंद हैं, तो आपको ऑनलाइन जो है अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। इसके रिगार्डिंग हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो आप उसे जरूर वॉच कीजिएगा। बाकी एक लास्ट वीडियो हमने इसके रिगार्डिंग बनाई थी कि आप अपना असाइनमेंट ऑनलाइन कैसे जमा करें, पूरी डिटेल वीडियो हमने बनाई थी असाइनमेंट सबमिशन को लेके। तो आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर है वो वीडियो है, और हम इसका जो असाइनमेंट का फुल डिटेल वीडियो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप इजीली देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लास्ट डेट जो है एक्सटेंड हो चुकी है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। सेकंड न्यूज़ पे चलते हैं अपनी। तो ये क्या है, ये है जो लास्ट डेट थी इग्नू में एडमिशन की 31 मार्च, उसे अब एक्सटेंड करके 15 अप्रैल कर दिया गया है। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इग्नू में, उनको बता देना चाहता हूँ कि अब जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल हो चुकी है। एक और मौका दिया है इग्नू ने आप सभी को कि आप जो है अपना एडमिशन लीजिए, अपने 6 महीने खराब मत कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सटेंड करके डेट को 15 अप्रैल कर दिया गया है। इग्नू के एडमिशन के रिगार्डिंग हमने एक पहल स्टार्ट की थी, जिसके रिगार्डिंग हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, जिसमें 10 से 12 हमने कोर्सेज डाले थे। यहाँ देख सकते हैं इग्नू कोर्स डिटेल्स, हमने 10 से 12 कोर्स डाले थे जो जनरली बच्चे करते हैं। उसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की थी कि कोर्स जो है कितने टाइम पीरियड का होता है, कितने डेज का होता है कोर्स, और कितनी फीस लगती है, कितने पेपर होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं। इसके रिगार्डिंग हमने जो है 2 से 3 मिनट में आपको एक डिटेल्ड वीडियो किसी भी कोर्स की प्रोवाइड कराई है। 12 कोर्सेज की हमने जो है आपको डिटेल प्रोवाइड कराई है, जनरली बच्चे करते हैं, तो आपको डेफिनेटली जो है इसमें अपना कोर्स मिल जाएगा जो आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो देख सकते हैं आप, एक फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एज प्रूफ मतलब स्कैन सिग्नेचर, एज प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट, बीपीएल सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट से आपको फीस में जो है एग्जेम्पशन मिलती है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग तीनों जरिए से जो है कर सकते हैं। आप ये डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जरूर बैठे, बाकी इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो हम निकालेंगे, तो आप उसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इग्नू के रीवैल्यूएशन की। तो रीवैल्यूएशन का जो पोर्टल है वो जारी हो चुका है, बाकी इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप इस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ आप पर आपको जो है डिक्लेयर करना है और आई अग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई अग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा 2020 जून 2020 के एग्जाम के बच्चों के लिए, और एक आएगा दिसंबर 2020 के लिए। तो जिन बच्चों ने जून में एग्जाम दिया था, उनका रिजल्ट आया था और वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं थे, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दिसंबर 2020 के जो एग्जाम हुए फरवरी में, तो वो बच्चे भी जो है रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ, रीवैल्यूएशन को लेकर बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डाउट थे कि क्या सर रीवैल्यूएशन से मार्क्स हमारे बढ़ते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल बढ़ते हैं। दूसरा डाउट था क्या हमारे मार्क्स घट भी जाते हैं, तो मैं बताऊंगा कि नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, पर आप जो है तभी अप्लाई करिएगा जब आपको पूरा कॉन्फिडेंट है। बाकी आंख बंद करके अप्लाई कर देना, क्योंकि जो है आपके मार्क्स जो है बढ़ते ही हैं। अगर बढ़ने के लायक होंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही, तो आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंट 3 इग्नू की अपडेट।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।